गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रुचिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और गाइस, अभी है जो है मॉर्निंग का टाइम, डुगू के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज उसे लेकर जाना था ये सीताफल की सब्जी, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुगू को आज लेके जानी थी ये पम्पकिन की सब्जी, जो कि इसकी काफ़ी फेवरेट है। और पम्पकिन की सब्जी के साथ पूरी ना हो तो ये तो अच्छा लगता ही नहीं है। पम्पकिन की सब्जी के साथ पूरी काफ़ी टेस्टी लगती है। डुगू को इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद है, तो वही मैं उसके लिए आज बना रही हूँ। और आज का जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल देसी स्टाइल में है। पूरी है, जो है पम्पकिन की सब्जी है, और अचार, गुड़, छाछ, मतलब सब कुछ इस थाली में आपको मिलेगा। Thank you.
किचन के काम तो खत्म हो गए हैं और किचन के काम खत्म होने के बाद नंबर आता है हाउस को क्लीन करना। मॉर्निंग में सभी का यही काम होता है, बच्चा स्कूल चला जाता है तो बस किचन के काम मेरे भी फिनिश हो गए थे। अभी जो है लिविंग रूम को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। जो झाड़ू है वो मैंने मॉर्निंग में ही लगा ली थी, अभी मुझे जो है सिर्फ थोड़ी सी जो है किचन में लगानी है और पूरे घर में जो है मोपिंग करनी है। बेडरूम क्लीन कर रही थी तो मैंने देखा जो मेरा वाला पोर्शन है वह थोड़ा सा मैसी हो रखा था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी जो है क्लीन कर लेती हूँ। मुश्किल से 5 या 10 मिनट मुझे लगे होंगे यहाँ की क्लीनिंग करने में, तो इसके सामान को बस हटाकर एक बार जो है मैंने उसे अच्छे से झाड़ दिया है अलमीरा को, और सारे सामान को जो है दोबारा से झाड़ कर अरेंज कर दूँगी। Thank you.
तो बस यहाँ पर मेरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं फिनिश, और इसके बाद मुझे शावर लेकर अपना लंच बनाना होता है। बस सुबह जो है वो यहाँ तक ही मेरा जो है काम होता है। और आई होप ये जो वीडियो है आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। गाइज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।